अरे भगवान रे भैया, जब मरे के बाद ही तब हड्डी टूट गई हमारी। बुरी हालत है कि भैया सवाल बैठी करी तो जान सारा भाई आओ आज बताओ। बैठी बिठाई में देखो मादरचोद सब टूट गए बाकी कूड़ा कूड़ा अंडा। अरे गौ माता खड़ो है जा भैया सांड देवता खड़ो खड़ो सीधो 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 जा। अरे सीधो हो जा फूट गई आँख आँख बिल्कुल ही फूट गई जी। गर्दन में कुछ भी लग रही है क्या ज्यादा लग गई है ज्यादा लग गई है गई सपा नाक तक टूट गई। अरे भगवान जी तो वैन जो बहुत बेकार सिस्टम है। अरे राम हाँ 181 हाँ बात नौका जी फोन उठा रही सी बात घंटा है लग। अरे यार 181 करू का सकते हैं यार। नहीं 181 खबर लेगी हालांकि साहब नहीं लेगी काऊ पशु वाले बुआ बनी। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो लोग जो पास के ही मिल में काम करते थे उनकी ये गाड़ी है। इसमें ना यार किस तरीके से एक्सीडेंट की। और ये वो बचिया है जिसकी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी वो जिसको बहुत देर तक देखा पेट भी इसका बहुत फूल गया था ऐसा लग रहा था जैसे कभी फटने वाला हो लेकिन फिर इसको खड़ा कर दिया तो अच्छा हो गया आराम से मिल गया लेकिन इसको बहुत तकलीफ हुई। जब मैंने देखा कि इसकी अभी सांस नहीं आ रही है बहुत तकलीफ हो रही है इसकी सांस लेने में पेट फूल रहा है तो मैंने फिर इसका हाथ से इसके कंठ में जो इसका खून वगैरह जम गया था वो इसको रेडी किया तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया सांस लेने लग गई। बाद बाकी फिर हमने 1962 में भी कॉल किया तो पशु हेल्पलाइन वाले भी फ़ोन नहीं उठाए बहुत परेशान हुए थे। कम से कम 2-2.5 घंटे हमने फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और इन गायों का बेचारों का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा गिल्टी फील कर रहा था यार मैं इन गाय के लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन यार कुछ करना है तो हमको एक चीज़ करनी है जो आप आगे में वीडियो देखिए इसमें जो मैंने बोला है वो एक ध्यान से सुनना और उस बात से पता नहीं कितनी ही गायों का एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। अब ये वीडियो देखिए और अभी आप ये देखिए कि जिस तरीके से गाय बैठी हुई थी उसने डायरेक्ट ही आके इसकी रीढ़ की हड्डी पर अटैक उसकी रीढ़ की हड्डी पर आके सीधा सीधा गाड़ी चढ़ा दी बेचारी। थोड़ी देर बिठाया तब जाके इसका पेट सही हुआ सांस भी लेने लग गई थी। और जो आप नंदी देख रहे हो इस नंदी की गर्दन एकदम टूट गई है। मान लो कि अभी बेचारा ना तो चल पा रहा है ना फिर पा रहा कुछ भी ये तथा रोष में खड़ा तो हो गया लेकिन इसकी आँख फूटने के कारण इसकी जो चोट लगी थी गर्दन पे लगी थी जो देख रहे हो आप झुकी हुई है किस तरीके से एक तरफ मुड़ी बेचारा मोड़ भी नहीं पा रहा है। तो फिर इसकी गर्दन के लिए मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा मसलना चाहिए मसाज करना चाहिए। मैंने थोड़ा इसको हिलाया और हाथ से थोड़ा धक्का मार के इसकी गर्दन थोड़ी ठीक कर दी तो मुझे थोड़ा ये फील हुआ कि हाँ भाई गर्दन से थोड़ा ये चलने लग गया। अगर उस टाइम पे मैं इसकी गर्दन को नहीं सहलाता तो शायद ये देखो ये मैं जो अभी ढक्के से कर रहा हूँ ना देखो मसलने के बाद इसकी गर्दन थोड़ी थोड़ी रिलैक्स हो गई फील हुआ मतलब अच्छा सा। फिर अभी इसके बाद ये बहुत स्वस्थ है इसकी जान बच गई इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये थोड़ा टाइम बाद में ठीक से चलने लग गया खाने भी लग गया लेकिन बेचारे की आँख फूट गई। आप जो देख रहे हो ये चीज़ सबसे बड़ा ट्रीटमेंट था जो उस समय पे मैंने दे दिया जिससे इसकी जान बच गई यार।